चैत्य ही हमें भगवान की ओर ले जाता है, चैत्य ही हमें भगवान की ओर ले जाता है। जैसे हम जानते हैं हमारा अंदर चैत्य सत्ता है, और हम ये भी हमको पता है, हम बार बार कह चुके हैं, आलोचना भी कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान भी है। ऑलमोस्ट सोल और साइकिक बींग, आत्मा और चैत्य सत्ता एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन एक ही जैसे है। और जिसका बारे में हम जो आत्मा के बारे में बोलते हैं वो स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट, स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट एक्सपुलिंग, पहले इसे पता ही नहीं चलता है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसका जागरण होता है, बिकम ए स्पार्क, देन इट्स गेट्स इनटू ए लाइट, ज्योति के तरह बराबर हो जाता है। जैसे हमको और भी एक पता है, हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ है, दो ही प्रक्रिया हमारे पास काम करते हैं, एक निवर्तन का प्रक्रिया, एक विवर्तन का प्रक्रिया है। निवर्तन को आप जैसे जानते हैं इन्वोल्यूशन, और विवर्तन की प्रक्रिया को हम जानते हैं विवर्तन इवोल्यूशन। निवर्तित होते होते हम मन प्राण और शरीर ये जड़ की तरह आ गए, और नीचे वो जाने वाला ही नहीं है, दैट इज द बेस। जहाँ पे निवर्तन का अंतिम पर्याय आ जाता है जो जड़ है, वहाँ से विवर्तन का शुरुआत होता है, मतलब वही जो जड़ का स्तर है वो निवर्तन का अंत और विवर्तन का शुरुआत। निवर्तन हम ऊपर से नीचे आए हुए हैं, कहाँ से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है, कितना दिन लगा है, इसका क्या परिवर्तन हुआ है हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये बात है सब कुछ अपना बिल्कुल बदलता हुआ नज़र आता है, बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया, सत्य यहाँ पर मिथ्या हो गया, आनंद निरानंद हो गया, चेतना निश्चेतना बन गया, अमरत्व मृत्यु में परिवर्तन हो गया, और जो ज्योति था वो अंधेरा में परिवर्तन हो गया। फिर जो इवोल्यूशन जो विवर्तन का शुरुआत होता है, क्योंकि भगवान सब कुछ बनाने के बाद जब देखा तो वह नेथर अपोजिट, बिल्कुल इसका अलग सा रूप वर्ण ग्रहण कर लिया है, तो अपना शक्ति को प्रेरण कर लिए थे भगवान ने, शायद इसका कुछ चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल स्टेट जो वास्तव का जो रूप ये रूप में आ जाए, लेकिन हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो अंतिम में क्या हुआ, भगवान को खुद अपने को आना ही पड़ा, और निश्चेतना की गर्भ में रहते हुए भी अपना काम का शुरुआत किया, कामकाज का शुरुआत किया, जिसी को पकड़ते हुए देखते हुए जिसकी इन्फ्लुएंस में क्या हुआ, निवर्तन तो खत्म हो गया था, अभी विवर्तन का गति पकड़ा हुआ है और ऊपर में जाते हुए नजर आता है। चाहे आप कुछ जानो न जानो, सुनो न सुनो, मानो ना मानो, लेकिन आपका जो प्रक्रिया विवर्तन का प्रक्रिया चलती रहते हैं, सब चलते हैं, आप भी चलते हैं, बिल्कुल धरणी का परिवर्तन और विवर्तन तो होता ही रहता है। लेकिन आप जैसे लोग जो साधना करते हो, साधक बन जाते हो, जो पूर्ण जो को अपना जीवन का मार्ग चुने हुए हो, तो ये लोगों के लिए थोड़ा कॉन्शस बहुत सचेतन है, जागरूक है, तो इसीलिए ये लोगों के लिए प्रक्रिया थोड़ा जो प्रोसेस थोड़ा स्विफ्ट क्षिप्र बन जाता है। तो जहाँ से हम निकल के आते हैं, आए हुए हैं, निवर्तित हुए हैं, श्री अरविंद जी बोलते हैं दोज दैट आर इन्वॉल्व्ड मस्ट इवॉल्व, जिसी का निवर्तन हुआ है, जो निवर्तित हुए हैं वो विवर्तित जरूर होंगे, एक बार जिसका निवर्तन हुआ तो विवर्तन जरूर होगा। तो ओरिजिनल प्रोसेस में, जिसी प्रणाली में, प्रचेष्टा में वो दुनिया का जो निवर्तन जो विवर्तन चल रहा है, ये बहुत टाइम टेकिंग, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, भगवान तो अल्टीमेटली करेंगे, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग। लेकिन ये जो प्रक्रिया को हमने अपना बन लिया, जो हम थोड़ा थोड़ा किया हुए हैं, जो मार्ग चुना है, जो पूर्ण योग का मार्ग, ये इंडिकेट करता है, बता देता है ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो जहाँ से हम निकल के विच्युत होके
हम इधर आए हुए हैं, उसी पॉइंट को उधर से पहुँच हम पहुँच जाने के लिए हमारा विवर्तन में जो यात्रा शुरू हुआ है वो हो गया। तो माँ जी यही बोलते हैं, चैत्य हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, हम भगवान से निकल हुए आए, बिल्कुल बिल्कुल विच्छिन्न हुए, विच्युत होकर आए हुए हैं और इधर ही जाना है, और हमको जो ले जाने वाला है, हमको पहुँचाने वाला है, वही है चैत्य सत्ता और हमारा बीच में है। श्री अरविंदो का दो लाइन मुझे याद आता है, सुंदर सा लाइन, द अनफेल्ट सेल्फ विद इन हु इज द गाइड। अनफेल्ट सेल्फ हमारा पास अंदर है लेकिन हमने कभी फील किया नहीं, हमारा कुछ अनुभव भी नहीं, इसको कोई देखा नहीं, इसके बारे में कुछ हमको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। अनफेल्ट सेल्फ विद इन हमारा अंदर ही है, हु इज द गाइड, वही तो गाइड करके हमको लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। अनफेल्ड सेल्फ विद इन हु इज़ द गाइड। अच्छा वो तो अनफेल्ड सेल्फ हमने अभी तक तो उसको हमारा कुछ ज्ञान नहीं है, इसका बारे में हम कुछ जानते भी नहीं, कभी अनुभव भी नहीं, मैं हमारा भी नहीं है या अनुभव भी नहीं है किया, वो कहाँ से कब तक लेके जाते हैं। अननोन सेल्फ अबो, अननोन सेल्फ अबो, बीच में छोड़ने वाला नहीं है। अबो मतलब हम बोल नहीं सकते कहाँ से है वो, अबो मतलब क्या है, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, आप बोल नहीं सकते कितना बिलियन टन किलोमीटर के बाद आएगा, ट्रिलियन किलोमीटर के बाद आएगा, कितना दूर होगा, ये हमको पता नहीं। अननोन सेल्फ अबो, अननोन मंस मतलब किसी को पता नहीं, किसी को यह विषय में ज्ञान नहीं। अबो हु इज द गोल, कुछ है जहाँ से हम निकल के आते हैं, आ चुके हैं इधर से, हमारा निवर्तन में विवर्तन का धारा शुरू हुआ, हम चल पड़े हैं, लेकिन कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन लेके जाएगा, कहाँ तक जा ये यात्रा चलेगा, कितना जन्म लगेगा, शताब्दी, सहस्राब्दी, सेंचुरी, मिलेनियम्स, कितना लगेगा, ये कुछ भी इसका बारे में हमको बिल्कुल हम लापता है, हमारा थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं, हम नहीं जानते हम सही तरह कहाँ पे जाते हैं, वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं। अननोन सेल्फ अबो, अबो ऊपर में तो जरूर है, अननोन किसी को भी पता नहीं, हु इज द गोल, हमारा लक्ष्य स्थल वही है, ऑब्जेक्टिव वही है, हम जो उधर ही पहुंचना है, लेकिन जो लेके जाएगा वो हमारा अंदर में है। और फिर माँ बोलते हैं, माँ जी चमत्कार मुझे चैत्य रचना एक पार्थिव रचना है, ये कहाँ पे नहीं मिलेगा, इसी धरती पर ही देखा जाएगा, ये मानव को ही मिलेगा, तो देवता को ये कभी मिलने वाला नहीं है, तो इसीलिए बार बार वो देवलोक देवता सारे देवता वो थोड़ा थोड़ा आते हैं, एटलीस्ट वो जानने के लिए इसमें क्या है देवता, इसके ये लोगों का प्रमोशन हुआ है, साधारण स्तर को छोड़ के ऊपर वो जा चुके हैं, लेकिन ये लोगों का चैत्य चेतना ये सब कुछ नहीं होता है, ये रचना ये लोगों के नहीं है, तो कैसे होता है इसका, इसके लिए वो बार बार धरावतरण करते हैं, वो नीचे आते हैं जानने के लिए, सुनने के लिए, और इसी जो जो प्रक्रिया चलते हैं इसका संदर्भ में आने के लिए, तो इन कम इन कंटैक्ट संजोग में आने के, संयुक्त होने के लिए आते हैं। तो माँ जी बोलते हैं, चैत्य चेतना एक पार्थिव चेतना है और चैत्य का विकास केवल धरती पर ही होती है, केवल धरती पर होती है, कहाँ नहीं मिले, कहीं नहीं मिलेगा। बार बार हम क्या करते हैं, वो कुछ नहीं होता है, वो बेकार सा चीज़ है, ये धरती ठीक नहीं है, हम बिल्कुल फंस गए, ये सारे कहानी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा कुछ सभी तरह मालूम नहीं है, सही तरह पता नहीं है क्या होता है, कहाँ पर होता है, इसको कहीं भी किसी धरती पर, किसी रीजन पर, किसी भूखंड पर ये होने का कोई संभव सवाल भी नहीं पैदा होता है। धरती एक जगह है जहाँ पे ये चैत्य रचना संभव होता है, लेकिन हम इसको छोड़ के कहीं जाते हैं, कहीं स्वर्ग है, कहीं सकेत है, कोई गोलक है, इसमें कुछ मिलने वाला है, तो हम चले जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं दिस इज़ द राइट प्लेस, यही है जगह जिसके लिए, किसी को देखने के लिए, मिलने के लिए, इसी संदर्भ में रहने के लिए, संयुक्त होने के लिए सारे देवताओं बीच में कभी कभी आ जाते हैं ये एनवायरनमेंट में कुछ देखने के लिए, सोचने के लिए। तो फिर बोलते हैं, जो चैत्य सत जब जब चैत्य सामने आता है, अब क्या सामने आता है मतलब पीछे है, बिहाइंड द वेल, पर्दे के पीछे, जब सामने आ जाता है तो साधना सहज, स्वाभाविक और आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो योग में हम निकल पड़े हैं इसका क्या होता है, जब चैत्य सत्ता के साथ संयोग स्थापन होगा तो ये शुरू होगा। संयोग स्थापन होगा कैसे होगा, आपको जानना चाहिए,
आपका समझ में आ जाना चाहिए, इसका पास आपको जाने चाहिए, आपको मिलना चाहिए, डिस्कवरी करना है, आविष्कार करना है। आविष्कार करने का कॉन्टैक्ट संयोग स्थापन करना है। संयोग स्थापन करने के बाद इसको बाहर लाना है, बाहर लाना है। और लाने में मतलब ये नहीं है, वो तो बाहर आते हैं जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। स्टैंड ऑन कवर्ड नेचर्स किंग, स्टेप इन टू कॉमन नेचर्स क्राउडेड रूम्स, बाहर निकल आएगा। ये जो हो हल्ला में भरा हुआ जगत में वो सामने खड़ा होगा, हमको लीड करेगा, दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, पा सकते हैं। और इसका जो कमांड है, जो आदेश है, जो निर्देश है, इसको मानना है। वो साथ में हमको लेके चलेगा सामने सामने। अगर ये सामने एक बार आ गया तो हमारा जो साधना सहज बन जाएगा, स्वाभाविक बन जाएगा और आसान बन जाएगा। और बस समय और जो स्वाभाविक विकास है वो यही प्रश्न रहता है, कब होगा, किससे होगा, कितना दिन लगेगा। दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन जो हो तो जरूर होगा। मौन या प्राणी या शरीर का जितना ऊपर रहते हैं तो साधना तपस्या और संघर्ष हो जाती है। क्योंकि मन प्राण शरीर जितना भी विकसित हो ना क्यों, दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स नॉट ओनर्स। दे आर चैत्य का ये है यंत्र, साधारण यंत्र है। लेकिन अब तक हम जहाँ पे पड़े हुए हैं, जहाँ देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि मालिक शायद मन प्राण या शरीर, चैत्य से तक हम कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, ये सब संजोग भी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन वास्तव सत्य वही है, मालिक यही है चैत्य सत्ता। वो सारे मन प्राण शरीर को सामने साथ में लेके आए हैं अपना कार्य के करने के लिए, इवोल्यूशन में सहायता करने के लिए। लेकिन इससे पता चलता है, प्रतीत होता है कि मन प्राण शरीर जैसे काम करते हैं, चैत्य सत्ता बिहाइंड द वेल, पर्दा के पीछे। लेकिन जब ये सचेतन हो जाएगी, चैत्य सत्ता जब बाहर आ जाएगा और ये लोग जब यंत्र बन जाएंगे, तो आपका साधना सहज हो जाएगा, सबलीन हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा और आसान भी बन जाएगा। वंदे मातरम। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।